नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पीएल याचिका में भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें 4 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चार्टर्ड उड़ान के दौरान हवा में अशांति की घटना की जाँच की मांग की गयी थी। 4 मार्च को बनर्जी चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी से कोलकाता लौट रही थी। वो एक चार्टर्ड फ्लाइट में सवार हुई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले उन्हें हवाई अशांति का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की पीठ में चोटें आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजराशि भारद्वाज की पीठ को अवगत कराया कि जब भी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर जाती है तो उनके विमान में कोई ना कोई समस्या आती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है। पीठ को आगे बताया गया कि 4 मार्च को जिस विमान में मुख्यमंत्री यात्रा कर रही थी, वो कुछ ही सेकंड में करीब 8000 फीट नीचे उतरा था, जिससे मुख्यमंत्री को गंभीर रूप से चोटें आई। मद्रास हाईकोर्ट ने समय पूर्व रिहाई के लिए जॉन डेविड के मामले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जॉन डेविड 1996 में हुए पोन नवरूसा हत्या मामले में दोषी है। जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस ए नक्किरन ने कहा कि राज्य सरकार और राज्यपाल जेल अधिकारियों द्वारा जॉन डेविड के पक्ष में की गई सिफारिश से बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल राज्यपाल ही संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी कैदी को समय से पहले रिहा करने के लिए दी गई शक्ति का राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने जॉन डेविड को बरी किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को उलट दिया था। कुड्डालोल ट्रायल कोर्ट ने उसे 2011 में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की पुष्टि की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये देखते हुए कि गोद लिया हुआ बच्चा हर तरीके से अपने दत्तक माता पिता के परिवार का सदस्य बन जाता है, अधिकारियों को उसकी मां की अनुसूचित जाति की पहचान के आधार पर 18 वर्षीय बेटे को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस जीए सनप की बेंच ने कहा कि एक गोद लिया हुआ बच्चा अपनी दत्तक माँ की जातिगत पहचान पाने का हकदार होगा। इसके बावजूद अधिकारियों ने बच्चे के जैविक पिता के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कक्षाओं में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जजों को धमकी मिली। इसको लेकर तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने कर्नाटक राज्य सरकार से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। बार काउंसिल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को धमकी देने वाले एक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले जजों के खिलाफ तमिल में जान से मारने की धमकी दी थी। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में मुख्य जांच अधिकारी की नियुक्ति में हुए विलंब का स्पष्टीकरण मांगा। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने राज्य की इस दलील से असहमति जताई कि उसने इस मामले में अदालत के पिछले निर्देशों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, हालांकि श्री वी मनु विद्वान वरिष्ठ सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए हैं, हम इस कारण से उक्त प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा क्रियान्वयन पूर्ण करने के लिए दिया गया 3 महीने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है, और जब मामला आज सूचीबद्ध हो रहा है तो 15 मार्च 2022 की एक अधिसूचना प्रस्तुत की गई है, जैसा कि प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर इस न्यायालय के निर्देशों को लागू करने में तत्पर थे। न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि विस्तार याचिकाएं नियमित रूप से दायर की जाती हैं। एक मुस्लिम पुरुष ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उसने कहा है कि तलाक के सभी रूपों को अवैध घोषित नहीं किया गया है, जिसे अपराध बनाया गया है वो तलाक ए बिद्दत 3 तलाक है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने
झारखंड हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2022 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आक्षेपित फैसले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत FIR दर्ज की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कम आयु वाले युवा वकालत करने वाले वकीलों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए किराए पर सरकारी कोटे में घरों के आवंटन के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो निर्धारित आयु तक प्रैक्टिस करने वाले युवा वकीलों के सरकारी कोटे में आवासीय आवासों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करते हुए तमिलनाडु और पुद्दुचेरी बार काउंसिल के परामर्श से योजना तैयार करें। एक विकल्प ये होगा कि संबंधित अधिवक्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाए और उन्हें किराए के आधार पर सीमित वर्षों के लिए आवासीय आवास दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की की तस्करी की आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम उम्र की एक मासूम लड़की को जघन्य अपराधों का शिकार बनाया गया और कई लोगों द्वारा गंभीर रूप से दुर्व्यवहार, शोषण और प्रताड़ित किया गया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 और धारा 376 के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इसके प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव है। याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की की तस्करी का आरोप लगाया गया है जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है। FIR भारतीय दंड संहिता 1860, IPC की धारा 370, 376 डी, 376 दो एन, 323, 506, 120 बी और धारा 34 के तहत दर्ज की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में इस सवाल का निपटारा किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे CCL पर कब एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। एकल पीठ जज जस्टिस MG सेवलीकर ने कहा कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों का आकलन करना होता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि CCL पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने जिला बार एसोसिएशन जयपुर के साथ मिलकर एक अधिवक्ता की दो नाबालिग बेटियों को खोजने में राज्य प्रशासन की विफलता का विरोध किया। उक्त नाबालिग 45 दिनों से अधिक समय से लापता है। जयपुर स्थित एडवोकेट अवधेश कुमार पुरोहित को दो नाबालिग बेटियां लाई CM सीनियर सेकेंडरी स्कूल करतारपुरा जयपुर से 3 फरवरी 2022 से लापता है। उसी दिन FIR भी दर्ज कराई गई। नाबालिग लड़कियों की लास्ट लोकेशन लखनऊ में बताई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद मामले में बेटे द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज किया और उसे अपने माता पिता को 50,000 रुपए जुर्माने के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लालच, कटुता और छल बेटे के आचरण से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता बेटे मनोज कुमार डालमिया ने कथित तौर पर अपने माता पिता के साथ सहमति की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्हें दंपत्ति के सांताक्रूज फ्लैट में अपने हिस्से से अधिक दिया गया, जबकि उनके परिवार को वहां रहने की अनुमति भी मिली। उन्हें उनका दूसरा फ्लैट भी मिलेगा जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय TV के साथ। नमस्कार।